आज हम काम करेंगे भा। हम भारी हरूफ को आ से मिलाएंगे और आपको पता है आ ओ ई ए ये क्या हैं? मुसव्वते। क्या हैं? मुसव्वते। आ ओ ई ए ये चार मुसव्वते हैं। अब हम इनके साथ भारी हरूफ को मिला के लिखेंगे। चले आएँ लिखते हैं। आपने पैटर्न का ध्यान रखते हुए भा को ऊपर लिखना है लाइन से और आ को लाइन के ऊपर जोड़ देना है। जैसे ये मैंने लिखा है भा लाइन से ऊपर है और आ को लाइन के ऊपर मैंने जोड़ दिया है। भा आ भा लिख लें जल्दी से प्यारे बच्चों। क्या लिख रहे हैं हम? भा आ भा। डन। अब हम दूसरा देखते हैं। भा ओ भो। भा ओ भो। भा ओ भो। देखें दोबारा लिखते हैं। ये देखें मैंने भा बनाया। अब इसको मैं ओ से मिला दूंगी। भा ओ भो। जल्दी से राइट करें। शाबाश। नेक्स्ट है देखिए मैंने लाइन से कितना ऊपर लिखा है। भा ई। भा ई भी। दोबारा देखें। भा ई। भा ई भी। डन। ओके नेक्स्ट है भा ए। भा ए भे। फिर देखिए भा ए भे। ये देखें नीचे या आप यहाँ भी इसका डॉट लगा सकते हैं। भा ए भे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स नीचे आ जाएं। अब हम लिखेंगे फ से। पहले हमने कहा किसके साथ लफ्ज़ मिलाए थे? सारे भा के साथ। अब हम फा के साथ मुसव्वतों को मिलाते हैं। फा आ फा। फा आ फा। फा ओ फो। फा ओ फो। नेक्स्ट देखें। फा यहाँ से हम मिलाएंगे ई। फा ई फी। फा ई। आप देख रहे हैं लाइन से कितना ऊपर रख के हमने लिखा है और जो ई है वो कितना लाइन से नीचे आएगी। फा ई फी। अब इसी तरह हम फा को ए से मिलाते हैं। लाइन से ऊपर रख के फा डालें और इसको बड़ी ए से मिला दें जिसको हम कहते हैं ए। फा ए फे। नेक्स्ट देखें दोबारा हम मिला के लिख रहे हैं। फा ए फे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स इसको जल्दी से कंप्लीट कर लें। जी प्यारे बच्चों आपने इसको अच्छा सा प्रैक्टिस करना है ताकि आपको ये बनाना आ जाए। जब आपको ये बनाना आ जाएगा तो आप बहुत अच्छे से लफ्ज़ों को मिलाकर लिख सकेंगे। अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर ऑल इन द बेस्ट कंडीशन ऑफ हेल्थ एंड ईमान। वेलकम टू ऑल इन द रेयरकम स्कूल फैसलाबाद रीजन। ओके माई डियर स्टूडेंट्स रेज योर हैंड्स फॉर दुआ।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما آمين. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट उर्दू, लेक्चर 12. हम उर्दू का ही सबक पढ़ेंगे और लिखेंगे. ये मेरा 12वां लेक्चर है. आपकी बुक रीडिंग का पेज नंबर है 31. बुक रीडिंग पेज 31. आज का प्यारे बच्चों हमारा उन्वान है भारी हरूफ के 3 और 4 हर्फी अल्फाज. क्या उन्वान है? भारी हरूफ के 3 और 4 हर्फी अल्फाज. जी प्यारे बच्चों, आए मिलकर पढ़ते हैं. भ आ भ आ भा भ ओ भ ओ भो भ ई भी भ ए भे. जी प्यारे बच्चों, भ भो भी भे. आए प्यारे बच्चों, इन भारी हरूफ से बनने वाले 3 और 4 हर्फी अल्फाज पढ़ते हैं. भ अ भ इ री भारी, भ अ भ इ री भारी, भ अ भ ग ओ गो भागो, भ अ भ ग ओ गो भागो, ग ओ गो भ ई भी गोभी, ग ओ गो भ ई भी गोभी. जी प्यारे बच्चों, भारी भागो गोभी. जी प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं. फ आ फ आ फा फ आ फ आ फ फ ओ फ ओ फो फ ओ फ ओ फो फ ई फ ई फी फ ए फ ए फे फ ए फ ए फे. ये क्या है प्यारे बच्चों? फ फो फी फे. जी प्यारे बच्चों, अब हम भारी अल्फाज जो हैं ये पढ़ते हैं, जो कि 3 और 4 हर्फी हैं. फ अ फ टक टक फ टक, फ अ फ टक टक फ टक, फ ओ फू ल फूल, फ ओ फू ल फूल, फ ल फल, फ ल फल, फाटक फूल फल. जी प्यारे बच्चों, अब आपकी बारी. आएँ अब हम मज़ीद भारी हरूफ के 3 और 4 हर्फी अल्फाज पढ़ते हैं. भ अ भ ग भाग, भ अ भ ग भाग, भ अ भ प भाप, भ अ भ प भाप, भ ओ भो ल अला भोला,
भो भू आला भोला भाग भाप भोला। जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट लाइन है फा आ फा र आड़ा फाड़ा फा आ फा र आड़ा फाड़ा फा आ फा र ओड़ो फाड़ो फा आ फा र ओड़ो फाड़ो फा ओ फो र आड़ा फोड़ा फा ओ फो र आड़ा फोड़ा। जी प्यारे बच्चों, फाड़ा फाड़ो फोड़ा। जी हम दोहराते हैं इस सारे सबक को। भा भो भी भे भारी भागो गोभी भा फो फी फे फाटक फूल फल। ये क्या है प्यारे बच्चों? जी भाग भाप भोला फाड़ा फाड़ो फोड़ा। जी प्यारे बच्चों, आपने ये बुक पेज नंबर 31 अच्छे से याद करना है। ओके प्यारे बच्चों, अब हम उर्दू का काम करते हैं। उर्दू वर्कबुक ओपन कर लें, जल्दी से खोलें। इसका वर्कबुक पेज नंबर 32 जल्दी से निकालें और पेंसिल हाथ में ले लें। रेडी? ओके।